अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर आप सब देखने वालों को खुश आमदीद। आज के न्यू वीडियो के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम में बाहर की आमद आमद है, तो यहाँ पे चाइना में भी आज हम आपको दिखाएंगे कि चाइना में जो मौसम में बाहर होते हैं वो कैसे होते हैं, और मौसम में बाहर की कैसे मौसम में बाहर को वेलकम करते हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये पीछे जितने भी आपको आवाम नज़र आ रही है वो सारे पिक्चर्स बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए, क्योंकि फूल खिल चुके हैं, बाहर की आमद आमद है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ हुआ है कैंपस, तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे। कैंपस के अंदर एक जगह है वहाँ पे, यहाँ पे जी जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे, और यहाँ पे फूल खिले हुए, और यहाँ पे मेरे साथ इरफान सर मौजूद है। ये मेरे जितने पख्तून व्यूवर्स हैं उनके लिए के पश्तून में पैगाम देना चाहते हैं जी, आए उनसे सुनते हैं कि वो क्या पैगाम देते हैं। दिल दोस्ती यूनिवर्सिटी बाहर मौसम शोरशली फिर खुले खुली गुल फिर दस इखकारी लगा सड़े पख लगी और डेर खुले मौसम दे दमुंग तरफ तो खो तस्तफा करा छे हम डेर खुले खुले नेचुरल ब्यूटी था खुदा दमुंग यूनिवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी था दल तदा चेनी दागली तस्वीर नुबाज इकबल और दैट हम इंजॉय कही चिकल हम दल तदा नुअर रहो की जी नो दा गुल नी दा खिलाओशी और दा गुल न जाओ किस्मा वरना शुरू की नो मुंग हम द दीना मजाखलू और टोल दा खलक की मजाखली और दा दी यूनिवर्सिटी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें बना रहे, ये सब यहाँ के प्रोफेशनल कैमरामैन हैं। स्कूल के हर सोसाइटी के अपने कैमरामैन होते हैं, तो ये सारे आए और ये तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ ग्रीनरी भी है और फूल भी खिले हुए, साथ में बहुत सारे लोग आए हुए तस्वीरें बनाने के लिए, और मौसम भी आज बहुत अच्छा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं और वो अपने पिक्चर्स बना रहे हैं। साथ में पीछे बहुत तस्वीरें बनाने के लिए और मौसम भी आज बहुत अच्छा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं और वो अपने पिक्चर्स बना रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से स्टॉल लगाया हुआ और यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।